गुड मॉर्निंग, आज स्टार्ट करते हैं 15 तारीख का जो इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स है उससे, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। अब दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को, आप यहाँ पे इंग्लिश भी पढ़ सकते हैं और हिंदी भी चल रहा है साथ में। पाकिस्तानी मौलवी कादरी ने राजनीति से संन्यास ले लिया। ये मतलब कटु वचन बोलने में काफ़ी एक्सपर्ट थे, ऊट पटांग टाइप बयान दिया करते थे। तहिरुल कादरी ने 14 सितंबर को सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया और अभी वो कनाडा में रह रहे हैं कनाडा में। उन्होंने अपनी पार्टी पाकिस्तान अवाम तहरीक के अध्यक्ष पद से भी इस्तीफा दे दिया है। ठीक है, पाकिस्तान के तहरीक अध्यक्ष पद से जो था वो भी इस्तीफा उन्होंने दे दिया है और उन्होंने एक तरह से संन्यास ले लिया है। T20 में रिकॉर्ड बनाया गया, अफगानिस्तान और जिम्बाब्वे के बीच बांग्लादेश में खेले गए मैच में एक रिकॉर्ड बनाया। रिकॉर्ड क्या है कि अफगानिस्तान खिलाड़ी नजीबुल्लाह जरदान और मोहम्मद नबी ने मिलकर लगातार 7 गेंदों में 7 छक्के लगा दिए और यह इस तरह के कारनामा करने का एक रिकॉर्ड इन्होंने बना दिया। अफगानिस्तान जिम्बाब्वे और बांग्लादेश के बीच ट्राई सीरीज चल रही है T20 की। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको याद कर लीजिएगा। आतंकी हमजा जो है वो मारा गया, उसका पूरा नाम है हमजा बिन लादेन। अब समझ में आ गया कि किसका बेटा है वो, तो ओसामा बिन लादेन का बेटा हमजा बिन लादेन को मार दिया गया है। कहाँ पे? तो अफगानिस्तान पाकिस्तान की सीमा पर अमेरिका की जो फोर्स थी वो आतंक एंटी टेरर कैंपेन चला रही थी, उसी के तहत हमजा बिन लादेन जो है मारा गया है 2001 वाले में। इसको भी मास्टर माइंड माना जाता था, ये 30 साल की उम्र का है था, अब नहीं रहा, 30 साल की उम्र का था। सऊदी अरामको पर ड्रोन से अटैक किया गया है। सऊदी अरामको है क्या? तो सऊदी अरब में है ये दुनिया की सबसे बड़ी तेल प्रोसेसिंग कंपनी है। इस पे ड्रोन से हमला किया गया है और किया कौन है, तो ईरान समर्थित हाउती ने इसकी जिम्मेवारी ली है कि उसने ये हमला किया है। और इसके दो संयंत्र दो जगह पे हैं, अब कैक और खुरैस, इन दोनों जगह पे अटैक किया गया है। हाउती विद्रोही जो है, आपको बस ये याद रखना है कि हाउती विद्रोही मोस्टली कहाँ पे सक्रिय हैं, ये इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यमन की राजधानी से लेकर उसके जितने भी हिस्से हैं वहाँ पे इनका एक अच्छा खासा अभी भी पकड़ है। मॉन्टी पनेसर जो है बॉलर हैं, याद होगा आपको, और भारतीय मूल के हैं, वो इंडियन ओरिजिन के हैं मॉन्टी पनेसर। अब इंग्लैंड में मेयर बन सकते हैं, यानी पॉलिटिक्स को ज्वाइन कर सकते हैं, इसीलिए उनकी किताब का नाम याद कर लीजिए, द फुल मॉन्टी। उनकी किताब का नाम है द फुल मॉन्टी। ऑस्ट्रेलिया की नई ATP टेनिस टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलिया ने अनाउंस किया है। साल का जो पहला टेनिस कप होता है, ग्रैंड स्लैम वाला जो कप होता है, वो ऑस्ट्रेलिया ओपन होता है, लास्ट होता है US ओपन। अल्फाबेट के लिए चलेंगे तो समझ में आएगा। तो ऑस्ट्रेलिया ओपन के पहले ही एक ATP टूर्नामेंट होगा जिसमें दिग्गज जो भी खिलाड़ी हैं टॉप के वो सब खेलेंगे इसके अंदर। इसके लिए $15 मिलियन, लगभग 1.6 करोड़ रुपए जो है इनामी राशि रखी गई है, माने कितना ज़्यादा है सोच सकते हो। और टूर्नामेंट में 18 टीमें भाग, इस टूर्नामेंट में टीम को 6 भागों में बांटा गया है और प्रत्येक टीम में 5 खिलाड़ी होंगे। ATP रैंकिंग में की शीर्ष 18 टीम इसमें भाग लेंगी। उसके बाद ये फैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आने वाले हर एग्जाम में पूछा जाएगा। कपिल देव को हरियाणा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का पहला चांसलर नियुक्त किया गया है, पहला चांसलर। कपिल देव का जन्म हरियाणा के राजधानी चंडीगढ़ में हुआ है, उनको हरियाणा हरिकेन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय की स्थापना हरियाणा के सोनीपत जिले के राय गांव में हुआ है और इनको वहाँ का चांसलर अपॉइंट किया गया है। अंबाती रायडू क्रिकेटर हैं और ये अभी अंबाती रायडू साहब जो थे वो संन्यास लेने, कुछ विवाद हो गया था जिसके कारण ये संन्यास लेने जा रहे थे, खैर संन्यास लेने से इनको रोका गया बड़े बड़े क्रिकेटर के द्वारा। तो अब इनको कप्तानी दी गई है
हैदराबाद की, जहां पे विजय हजारे ट्रॉफी में ये हैदराबाद का नेतृत्व करेंगे। उसके बाद असम में एनसीआर लिस्ट लगातार बन रहा है और विवाद में है, इस पर एक अलग से मैं वीडियो बना दूंगा। तो एनसीआर का जो लास्ट लिस्ट है वो भी बन गया है और उस लास्ट लिस्ट में 19 लाख लोग शामिल किए गए हैं, 19 लाख लोग शामिल किए गए हैं। जैसे ही लास्ट लिस्ट तैयार हो गया, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं देखते हुए केंद्र सरकार ने वहाँ डिप्लॉय पैरामिलिट्री के जो फोर्स थे 10,000 उनको वापस लेने का निर्णय किया था। एक्चुअली जैसे ही एनसीआर का रिपोर्ट तैयार हो रहा था, लिस्ट तैयार हो रहा था, वहाँ पर इन 10,000 सैनिकों को रख दिया गया था, कि जैसे कश्मीर में कैसे हुआ तो उसी तरह से कोई प्रॉब्लम ना हो इसलिए उनको रखा गया था। लेकिन सारे लिस्ट अब तैयार हो गए हैं, फिर भी इनको वहाँ कोई किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई है, इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनको वापस बुलाने का निर्णय लिया है। उसके बाद हिंदी दिवस जो 14 सितंबर को मनाया जाता है, तो दुनिया में सबसे पहले हिंदी जो है, दुनिया में हिंदी थर्ड नंबर पे बोली जाती है, यानी तीसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राज्यभाषा के रूप में एक्सेप्ट किया गया था, इसी कारण 14 सितंबर को ही यह मनाया जाता है। और सबसे पहले 14 सितंबर 1953 को यह मनाया गया था, 1953 को मनाया गया था। उसके अलावा एक फैक्ट ये है कि विश्व हिंदी दिवस अलग होता है, ये हिंदी दिवस अलग है, विश्व वर्ल्ड लेवल पे जो हिंदी दिवस मनाया जाता है वो अलग होता है और वो 10 जनवरी को मनाया जाता है। वैसे भी अलग अलग हिस्से में हिंदी दिवस मनाने का कोई एक डेट नहीं है, अलग अलग डेटों पर मनाया जाता है। खैर, वर्ल्ड हिंदी दिवस जो है वो 10 जनवरी को मनाया जाता है। पहला विश्व हिंदी दिवस नागपुर में मनाया गया था। कैरिबियन प्रीमियर लीग में शाहरुख खान की टीम है, शाहरुख खान ने वहाँ पर भी एक टीम खरीदा है। कैरिबियन प्रीमियर लीग में उनके टीम का नाम है ट्रिनबागो नाइट राइडर्स, नाइट राइडर्स ही है, तो वहाँ पे ट्रिनबागो लग गया है, नाइट राइडर्स नाम है, याद करना आसान होगा। किरण पोलार्ड उसके कप्तान है। CPL में इसने तीसरा सबसे बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया है। सबसे पहला किसने किया है, अभी क्वेश्चन मैंने पूछा था, सबसे पहला जो है वो अफगानिस्तान का स्कोर है, सबसे ज़्यादा अफगानिस्तान ने किया है स्कोर, 279 है शायद, 278/3, यानी 3 विकेट पर ही 278 रन बनाया है इन्होंने। उसके बाद जो फिफ्थ पोजीशन मान लो वो है, फिफ्थ पोजीशन पे है ऑस्ट्रेलिया 263 के साथ, तो ये थर्ड पोजीशन पर है, और सेकेंड पे है चेक रिपब्लिक 278 के साथ। तो इसमें CPL में क्रिस गेल की कप्तानी वाली जमैका थलावाज को इन्होंने हराया है, 260 रन स्कोर खड़ा करके। नमो फॉरेस्ट 20 हेक्टेयर या 20 बीघा से अधिक की जमीन पर नमो वन विकसित किया जाएगा। मेनका गांधी के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के का जो बर्थडे है उस दिन इसको गिफ्ट के रूप में दिया जाएगा। हरियाणा के सुल्तानपुर में उनके जन्मदिन के दिन एक साथ 10,000 पौधे लगाए जाएंगे, और ये जो 10,000 पौधे हैं ये सब आयुर्वेद से रिलेटेड मेडिसिन वाला प्लांट होगा, कोई ना कोई औषधि का ही प्लांट होगा, वैसे नहीं। वर्ल्ड इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस इंडेक्स जारी हो चुका है 2019 का, जो भी इंडेक्स आपके पास होगा वहाँ अपडेट कर लीजिएगा, इंडिया हो चुका है उसमें, इंडिया का पोजीशन पहले से बहुत बेहतर है, 162, इसीलिए आने वाले एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। पहले तो इसके अंदर जो फैक्ट है वो ये है कि 162 162 देशों को इसके अंदर शामिल किया गया है। भारत 79th पोजीशन पर है, इसके पहले 96th पोजीशन पर था, 17 स्थान अपने को इम्प्रूव किया है। कैनेडियन थिंक टैंक और भारतीय थिंक टैंक सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी के द्वारा यह निकाला गया है। हांगकांग पहले स्थान पर, सिंगापुर दूसरे स्थान पे, न्यूजीलैंड तीसरे स्थान पर है, वेनेजुएला सबसे अंतिम 162 पोजीशन, लीबिया 161 पोजीशन और सूडान 160वें पोजीशन पर। सबसे पहला हांगकांग, सबसे लास्ट वेनेजुएला, और भारत की स्थिति जो है वो 79 की है। तनाका फुफुओका कौन है,
तो ये जापान की सबसे अधिक उम्र की महिला हैं, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अभी की सबसे उम्रदराज जीवित महिला का रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है। 116 साल की हैं ये, वो 116 साल की हैं। अभी जापान में 71,238 लोग ऐसे हैं जो 100 साल क्रॉस कर चुके हैं, 100 साल क्रॉस कर चुके हैं। और इसमें भी कमाल की बात क्या है कि 88.1% जो है वो फीमेल, 88.1% फीमेल है, यानी 62,775 जो हैं वो फीमेल हैं और पुरुष जो है 8,463 है। चितेत्सु वतन अबे 112 साल के अभी जापान में सबसे बुजुर्ग पुरुष हैं। लेकिन लेकिन ये जो तनाका फुफुओका हैं ये सबसे अधिक उम्र की महिला बन गई है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका रिकॉर्ड भी आ गया है। तो ये थे आज तक आज के करेंट अफेयर्स, फिर कल के लिए हम लोग कल करते हैं।